स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ये इन्फॉर्मेशन बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के उन छात्रों के लिए है जो 2020 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। उन सबों के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से प्रवेश पत्र अर्थात एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप लोगों का जो एग्जाम है वो 17 फरवरी से स्टार्ट होगी। इसके बाद आप लोगों का सेंटर कहाँ हुआ है वो आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। इसे आप लोग किस प्रकार डाउनलोड करेंगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरा सलाह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड की तैयारी भी चैनल के माध्यम से कराता हूं। आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिए। क्रोम ब्राउज़र के ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करिए बिहार बोर्ड ऑनलाइन। देख सकते हैं जैसा मैंने यहां पे टाइप किया हूं, ऐसे आप लोगों को टाइप करना है। टाइप करने के बाद सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में जो बिहार बोर्ड डॉट ऑनलाइन है, इस पर आप लोगों को इस लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसा आप यहां पे देख रहे हैं। आप लोगों को इम्पोर्टेंट लिंक के नीचे आप लोगों को यहां पे दिखाई दे देगा। यहां पे देख सकते हैं ये क्लिक हेयर टू व्यू या प्रिंट फाइनल एडमिट कार्ड एनुअल सेकेंडरी एग्जाम 2020, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपना स्कूल का रोल कोड इसमें टाइप करिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करिएगा, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद सर्च कर दीजिएगा। चलिए मैं एक स्टूडेंट का रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका डेट ऑफ बर्थ टाइप करके सर्च करके आप लोगों को दिखा देता हूं। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं मैंने स्टूडेंट का स्कूल कोड अर्थात रोल कोड, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहां पे टाइप कर दिया हूं। देखिए आप लोग यहां पे गलती कर पाइएगा तो आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाएगा। सबसे पहले देखिए स्कूल कोड तो आप आसानी से यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर होगा वैसे ही टाइप करना है। वैसे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि ये जो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ये लाइन दे करके ही आप लोगों को करना है, जैसे आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। तो इस प्रकार से मैंने भी डेट ऑफ बर्थ डाला हूँ, तो इस प्रकार से आप लोग भी डालिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, सर्च कर दीजिए। चलिए मैं सर्च कर देता हूँ। देखिए सर्च करने के बाद उस स्टूडेंट का एडमिट कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना प्रवेश पत्र अर्थात एडमिट कार्ड, ये वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर उन छात्र का एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का परीक्षा सेंटर जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, सबसे देखिए गया कॉलेज इसका हुआ है। तो इस प्रकार से आप 13 नंबर इंस्ट्रक्शन में देख लीजिए कि आप लोगों का सेंटर कहाँ हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का जो किस विषय का किस तारीख को एग्जाम है वो यहाँ पर दिया गया। जैसे देखिए साइंस का एग्जाम जो है 17 फरवरी से है, मैथ का एग्जाम जो है 18 फरवरी से है, सोशल साइंस का एग्जाम 19 फरवरी को है, इसके बाद जो है यहाँ पर इंग्लिश का एग्जाम 20 फरवरी को है, इसके बाद यहाँ पर MIL हिंदी का एग्जाम जो है वो 21 फरवरी का है, इसके बाद जो है यहाँ पर संस्कृत का एग्जाम जो है उनका 22 फरवरी से है। तो और कौन से सेटिंग में है तो यहां पे देख सकते हैं सेकेंड सेटिंग में है, कितने बजे से एग्जाम होगा वो यहां पे है। ठीक है, इसके बाद नीचे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखें कि अगर आप महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर आप लोगों का फर्स्ट सेटिंग में 9:30 बजे से एग्जाम है तो आप लोगों को 10 मिनट पहले 9:20 तक ही अपने सेंटर पर पहुंचना है। अगर आप लोगों का एग्जाम सेकेंड सेटिंग में है 1:45 से, तो आप लोगों को 1:35 तक ही अर्थात 10 मिनट पहले ही आप लोगों को अपने सेंटर पे पहुंचना है। इसके बाद जो है बहुत सारे जानकारी नीचे में दिया गया है, तो आप लोग इस PDF फाइल को डाउनलोड करने के बाद इसे पढ़ लीजिएगा। इस PDF फाइल को डाउनलोड करने के लिए ऊपर में आप लोगों को प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, एक बैक का मिलेगा, तो प्रिंट पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं प्रिंट पर क्लिक कर देता हूँ। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मेरे सामने ये PDF फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, और इसे PDF फाइल में मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अब सेव कर लेता हूँ इसको। सेव करने के बाद मेरा PDF फाइल डाउनलोड हो चुका है। इस प्रकार से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।